हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड डॉटर। अगर आप नए हो इस चैनल पे डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। वैसे हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अनप्लान ट्रिप पर। वी डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं। हमने कुछ ऑप्शंस रखे हैं अभी तक, जैसे ऋषिकेश और नैनीताल, बट अभी कुछ फाइनल नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट इट इज गोइंग टू बी सुपर फन। हमने 2 बजे डिसाइड किया था और अभी टाइम हो रहा है 3:15 एंड वी आर लाइक इन द कार एंड वी आर जस्ट गोइंग। अभी हम आप देख सकते हो कि बैग रखा है, यहाँ पर भी मेरे बैग्स रखे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर जा रहे हैं बिकॉज हम संडे को वापस आ जाएंगे। बट इट इज गोइंग टू बी सो फन, क्योंकि होली की हॉलीडे जब सबकी खत्म हो रही है तब हमारी होली की हॉलीडे शुरू हो रही है। अब मैं अभी मम्मी से पूछती हूँ उनको कैसा लगा अनप्लान ट्रिप पर। तो आप बताओ कैसे लग रहा है आपको अनप्लान ट्रिप पर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी समय के बाद मैं जा रही हूँ बाहर कहीं घूमने के लिए। कैसा लग रहा है बाबा आपको? ये अच्छा लग रहा है मुझे भी। और हम ये ट्रिप जो है इन गर्मियों के समय में वहाँ जा रहे हैं अपना हरिद्वार, और पहली ट्रिप है इस मौसम की हमारी। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। अभी तक डिसाइडेड नहीं था लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं हरिद्वार साइड, और अब देखते हैं कैसी होगी हमारी ट्रिप। चाय के लिए कुछ चाय पियेंगे और कुछ समोसा पकौड़ा जो पसंद होगा वो खाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। दर्शन हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, और यहाँ पे अभी कुछ हमने थाली ऑर्डर किए हैं, तो कुछ और भी आइटम हम टेस्ट करेंगे और जैसा भी होगा फिर आपको बताया जाएगा कि कितना अच्छा खाना है और स्वादिष्ट है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। आपको कुछ बोलना है? अभी तो पहले टेस्ट करेंगे भोजन, हमने थाली ऑर्डर किए तो उसका देखते हैं कैसा निकलता है। और ये हमारे पास दाल मखनी है, और इसमें हमारे पास पनीर बटर मसाला है, और ये हमारे मिक्स वेज है, और ये है छोले, और ये हमारे पास है रायता, और ये है सैलेड जो अच्छी है, और दो रोटी है, पापड़ है, और अपने पास चावल है, और एक स्वीट डिश भी है। तो इनका तो ऐसा है कि बहुत अच्छा है, आप खा के देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। अच्छी है दाल, अच्छी है। अच्छी है।
बहुत अच्छा है, एक आदमी के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी बन रही है। छोले जो है घर के छोले होते हैं कम मसाले के, अच्छे बने हुए और प्रिपरेशन भी अच्छी है। इसमें बूंदी रायता दिया है, इसमें बूंदी रायता भी वैसे अच्छा है, और ये हो सकता है कि इसमें मिक्स रायता और भी हो सकता है। हमने अभी एक ग्रीन सैलेड एक्स्ट्रा और भी ऑर्डर किया, लगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। इस रेस्टोरेंट में अच्छी बात यह है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हो, उसी थाले की पेमेंट रिफिल करा सकते। नेवल तू क्या खा रहा है? पनीर बटर मसाला और बटर नान एज यूजुअल। आफ्टर दैट वी स्लेप्ट एट निजधाम आश्रम हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में कोई होटल में रूम ही नहीं थे एंड वी सर्च्ड, कोई रूम नहीं मिला। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो हरिद्वार और ऋषिकेश जाना, तो प्लीज़ कंसिडर कि आप वीकेंड्स पर ना जाएं, बट वीकडेज में ज़रूर जा सके, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हमें होटल का एक भी रूम नहीं मिला। इवन रिसॉर्ट्स में हमने पूछा था, उसमें भी हमें रूम नहीं मिला, बट निजधाम वॉज गुड। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, क्योंकि हम ऋषिकेश चले गए थे सुबह और फिर हम राफ्टिंग के लिए जाने लग रहे हैं। अब हमें मतलब वो वहाँ पर ही आपको बात करनी पड़ती है, रात को आप बुकिंग करेंगे राफ्टिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर हमने सुबह, हमारा लक अच्छा था कि हमें तुरंत मिल गई थी। अब वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर कंपनीज़ हैं या शॉप्स हैं जो उनने खोल रखी हैं, वहाँ पर किसी पर भी जाकर आप बात कर सकते हैं और वो आपको करा देंगे। और ये हम आ गए थे स्पॉट पर वेटिंग फॉर आवर चांस। बहुत मज़ा आ रहा था, हमने यहाँ पर लाइम सोडा पी जो बहुत अच्छी थी, बंटा पी मतलब। और ये मम्मी हैं, ये पापा फुल डैडी हैं, तो वो आपको पूरी लाइफ जैकेट वगैरह सब पहनाते हैं। और अब हम नीचे जा रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी जो थी वो उनकी गाड़ी में हम आए थे और ऊपर रोक दी गई थी, और हम फिर नीचे गए थे पानी के पास, मतलब गंगा रिवर के पास। और फिर वहाँ हमने थोड़ी देर वेट किया था बिकॉज हमारी जो राफ्टिंग की बोट है वो आ रही थी ऊपर से, तो उसके लिए हमने वेट किया था। वहाँ पे राफ्टिंग के लिए भी इतने सारे लोग थे कि बहुत भीड़ थी, पर पानी के अंदर इतना भीड़ नहीं लग रहा था, लेकिन थे बहुत सारे लोग थे। और ये अब हम रेडी हैं। वो आपको चांस देते हैं कि आप जब राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप पानी के अंदर जा सकते हैं, तो हम दो बार पानी के अंदर गए थे, वो भी बीच रिवर के, बहुत मज़ा आया था। और रैपिड्स आते हैं तो बहुत मज़ा आता है जब आपके ऊपर पानी आता है। और राफ्टिंग बहुत ईजी है गाइस, अगर आपको डर लगता है कि आप एडवेंचर स्पोर्ट कौन सा करें तो प्लीज़ कंसिडर राफ्ट। फिर हम गए लक्ष्मण झूला पे, जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी, तो वहाँ जगह होती है कार पार्किंग की, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करी एंड देन वी वर वॉकिंग। पर लक्ष्मण झूला जाने के बाद इट वॉज लाइक कूल, अच्छा था लक्ष्मण झूला, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब लक्ष्मण झूला पूरा भरा हुआ था, आप अभी भी देख लोगे इस इमेजेस में। और लक्ष्मण झूला हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि चोटी वाला कहाँ है, पर हमने सर्च किया था कि राम झूला के पास है, लेकिन वो शायद मैप में कुछ गड़बड़ आ रही थी कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पर है, और हमें जाना था चोटी वाले पे, इसीलिए हम फिर लक्ष्मण झूला से वॉक करके 1.8 किलोमीटर्स कुछ राम झूला पर गए एंड फिर हम चोटी वाले पे गए। एंड गाइस आई वुड से डोंट गो टू चोटी वाला, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, मतलब खाना नॉट गुड, द सर्विस वाज नॉट गुड एंड कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वहाँ पर इट वाज नथिंग कुछ अच्छा, तो हम मैं कंसिडर नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मत जाइए चोटी वाला पे, एंड दिस वॉज चोटी वाला, दो बना रखे थे बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरे की, अब ये नहीं पता था कि असली वाला कौन सा है, और दोनों में खाना अच्छा नहीं था एज लोग जैसे बोल रहे थे। यहाँ तो कंफ्यूजन है, एक चोटी वाला जो है इसी केस में एक ओरिजिनल नाम से रखा ओरिजिनल है, बताते हैं ये कहता है कि ये उसका उसकी कॉपी है, अब कौन सा ओरिजिनल है कौन सी कॉपी है पूछते हैं। इसके बाद हम
रात को वापस हरिद्वार आ गए। ऋषिकेश में इतनी भीड़ थी और वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम वापस हरिद्वार आ गए और बीच में हमें ये वैन दिखी जो सुपर खाना बना रही थी। मतलब इतना टेस्टी खाना था इसका। हमने चाउमिन खाई, हमने मलाई चाप खाई एंड वी ऑल्सो ईट आई गेस स्प्रिंग रोल्स। हाँ, हमने स्प्रिंग रोल्स भी खाए जो सच में बहुत टेस्टी थे। ये मोबाइल फूड कैंटीन है जो क्या नाम है हरिद्वार से ऋषिकेश रोड पे लगी हुई है। इसका जो चाउमीन है वो बहुत टेस्टी है और इसमें क्या है कि इसमें जो सर्विस है वो भी अच्छी है। काफ़ी लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि भी क्या नाम है जैसे क्राउड है, वैसे क्राउड के बेसिस पे वो लोग अपनी अपनी तरफ से जितना भी जल्दी से जल्दी मेहनत करके जो दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन क्या नाम है इसमें बड़ा बड़ा टेस्टी है और किसी बड़े बड़े होटल या बड़े रेस्टोरेंट से कंपेयर करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि दो तीन जगह हमने भी यहाँ पे दो दिन में काफ़ी कुछ खाया पिया है, तो उससे लगता है कि अभी ये जो है वो मतलब बेटर है उनसे। तो अब हम रात को धामी सो गए थे और सुबह आ गए थे हर की पौड़ी और यहाँ पर ना बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हो बहुत भीड़ थी। मतलब मैं वही वापस रिपीट करूँगी कि वीकेंड्स पे मत जाना, वीकडेज पे इट्स गुड पर वीकेंड्स पे मत जाना क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अगर आपको भीड़ पसंद है तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। तो इतनी भीड़ थी। उसके बाद हम मार्केट में गए जो हरिद्वार में पीछे मार्केट है, वहाँ गए और यहाँ साई जलपान ग्रह था। छोटी सी शॉप थी लेकिन जो कचौड़ी थी, हमने यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया कचौड़ी का और बहुत टेस्टी, मतलब इतनी टेस्टी थी कि मज़ा आ गया। आप यहाँ पर जाकर ज़रूर कचौड़ी टेस्ट कर सकते हैं। और हमने अंकल को बोला कि हम आपकी वीडियो बनाते हैं और ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल, उन्होंने बना कर दी, उन्होंने हमारे सामने बनाई तो बहुत अच्छा था। और खाना तो बहुत ही टेस्टी था। मतलब उसमें जो सब्ज़ी थी आलू की वो भी अच्छी थी और जो कचौड़ी का वो था ना, मतलब दाल की कचौड़ी थी, मतलब टेस्ट आ रहा था मुझे मेरे मुंह में, तो सब बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये अपनी सब्ज़ी डालेंगे और सब्ज़ी बहुत गर्म, मतलब सब गर्म गर्म था और जैसे ही मैंने खाया तो मैं तृप्त हो गई। बहुत अच्छा खाना था। के बाद हम नहाए और हमारी ट्रिप यहीं एंड हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।